हेलो, वेलकम टू कुक विद सोनाली राउत। दिवाली में महाराष्ट्र में भाजनी की चकली बनती है, लेकिन जो भाजनी होती है उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है। लाइक उसमें दाल रोस्ट करनी पड़ती है, चावल रोस्ट करने पड़ते हैं, धनिया जीरा ये सब रोस्ट करना पड़ता है, फिर चक्की से उसे पीस के लाना पड़ता है। तो यही प्रोसेस मैंने आज एकदम कम कर दिया है और यही भाजनी की चकली नए फॉर्म में झटपट बनने वाली आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ मैंने चने की, उड़द की और मूंग की दाल ली है, ये सब दो दो टेबलस्पून ली है और उनको भिगो के रखा था 2 घंटे के लिए। भिगाने के बाद ये ऐसे हो गया है। अब इनको हमें प्रेशर कुक करके लेना है। उसके लिए मैंने कुकर का बर्तन लिया है, ये रेगुलर अपने प्रेशर कुकर में आप जो यूज़ करते हैं वो बर्तन है। इसमें डालेंगे 1 कप पानी, ये रख देते हैं कुकर में। कुकर में मैंने ऑलरेडी पानी डाल के रखा हुआ है। अब नेक्स्ट प्रोसेस से जाते हैं। अब इस कपड़े में मैं डालने वाली हूँ 2 कप चावल का आटा। इस कपड़े की हमें पोटली बनानी है, ये सब कॉर्नर जैसे हाथ में लेंगे एक साथ, ये कॉर्नर पकड़ना है और इसे अच्छी तरह से पोटली को बांध लेना है। कुकर में स्टीम करना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब इस राइस के आटे की पोटली को हम कुकर के दूसरे बर्तन में डाल देंगे। इस दाल के बर्तन के ऊपर ये भी रख देंगे, ढक्कन क्लोज कर लेंगे और 4 से 5 सीटी तक इसे पकाएंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक हम पोहा ग्राइंड करके लेते हैं। ये 2 टेबलस्पून जाड़ा पोहा है, ये वो पोहा है जो हम कांदा पोहा में यूज़ करते हैं। ये हमें एकदम फाइनली ग्राइंड करके लेना है। ये देखिए हमें इतना फाइन चाहिए। कुकर की 5 सीटियां हो गई है और प्रेशर भी रिलीज हो गया है। हमें इसे एकदम भी ठंडा नहीं करना है। दाल भी अच्छी तरह से पक गई है। अब ये जो चावल की हमने पोटली बनाई थी ये ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये ऐसे कड़क हो जाता है, इसे हमें गरम गरम ही तोड़ना है। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, टूट जाता है बहुत जल्दी। अब इसे हमें छन्नी में से छान के लेना है और ऐसे चम्मच से दबाते हुए इसे छान लेंगे। ये सब आटा हमने छान लिया है। अब हमें दाल को भी छान के लेना है। इससे दाल का मिक्सचर एकदम स्मूथ होके निकलेगा। ये सारी दाल हमने छान ली है, देखिए कितनी स्मूथ है। यहाँ मैंने एक परात ली है, इसमें ये चावल का आटा हम ले लेते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून तिल, ये सफ़ेद तिल लिए हैं मैंने, 1 टीस्पून अजवाइन। नेक्स्ट आ रहे हैं पोहे जो हमने ग्राइंड करके रखे थे, 2 टेबलस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून नमक लिया है। ये सब हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं।
और अब थोड़ी थोड़ी दाल का मिक्सचर डाल के भूनना शुरू कर देते हैं। हमने सारी दाल यूज कर ली है। थोड़ा पानी डालना पड़ेगा इसमें। आटा बहुत लूज नहीं करना है हमें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे भून लेंगे। ये हमारा डो बनके रेडी हो गया है। अब इसकी हम चकलियाँ बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास चकली का साँचा है, ये चकली की डिस्क है, ये मैं साँचे में डाल देती हूँ और साँचे को थोड़ा सा तेल से मैं ग्रीस कर देती हूँ। तेल को हाथ से ऐसे फैला देंगे। चकली का डो लेते हैं हाथ में। ये ऐसे सिलेंड्रिकल बना देंगे और इसे आप चकली के सांचे में डाल देंगे। थोड़ा प्रेस कर लेंगे। और अब इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा देंगे, क्लोज कर लेते हैं। ये ऐसे घुमाते जाना है। जितनी चकली आपको बड़ी चाहिए उतना आप इसको कर सकते हैं। ये तोड़ लीजिए और यहाँ ये ऐसे पिंच कर लीजिए। यहाँ कढ़ाई में तेल गरम करने रखा था, ये गरम हो गया है। फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है। अभी एक एक चकली हम डालना शुरू करते हैं। इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है इसमें। और बहुत सारी चकलियाँ इसमें एक साथ नहीं डालनी है, क्राउड नहीं करना है। पलट लेते हैं, दोनों तरफ से चकलियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इसमें बबल्स आना कम हो गया है, दैट मीन्स ये रेडी हो गई है। ये निकाल लेते हैं। चक्की में जाना, आटा पिसवा के लाना, फिर चकली बनाना, इससे अगर आपको बचना है तो ये चकली एकदम इजी ऑप्शन है। तो इस दिवाली ये ज़रूर बनाइए और घर वालों को खिलाइए। और ऐसे ही डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है कुक विद सोनाली राउत को। और आप सभी को अ वेरी हैप्पी दिवाली।